Good morning all of you. Today we are going to read chapter 2 microorganism friends and foe. तो जो microorganism होते हैं, microorganism क्या होते हैं? Microorganism यानी छोटे छोटे small small particles, बहुत छोटे छोटे साइज में जो microbes होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर्स में ये फ्रेंड्स भी होते हैं और फॉय भी होते हैं. तो ये फ्रेंड्स कैसे होते हैं और ये हेल्प कैसे करते हैं, ठीक है, इस बारे में हम बात करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दूज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विदाउट नेक्स्ट आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके चारों तरफ अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी, आपके चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी इस टाइम जो बारिश का मौसम है तो आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे 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 से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बट आपको वो आपकी नेक्स्ट आई से दिखाई नहीं देते. आप वाटर में देखना, किसी भी चीज में देखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट विदाउट आप माइक्रोस्कोप से उनको फाइंड नहीं कर सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नेक आई से कैनॉट सी विथ नेक आई और कार्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नेक आई से नहीं देख सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं. अब बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फोर टाइप्स में रखा गया है. सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ. तो और एक वायरस है ना, अभी आपने COVID-19 ये क्या था, ये भी एक तरीके का वायरस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. क्या आप इसको नेक डाइस से देख सकते हो? अगर आप नेक डाइस से देख सकते हो तो ये बीमारी किसी को लगती नहीं, सिंपल सी बात है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, इनको नेक डाइस से नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी cannot see without naked eyes are called microorganism, like a bacteria, virus, fungi, algae. Okay, अब हम बात करते हैं कि bacteria की, bacteria की अगर हम बात करेंगे तो bacteria क्या होता है? Bacteria single celled organism है. Bacteria एक single cell से मिलकर बना हुआ होता है. हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो ह्यूमंस हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब किससे मिलकर बने, मेड अप ऑफ अ सेल, सब सेल से मिलकर बने हुए हैं. आपकी बॉडी के अंदर सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ सेल्स. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है वो वन सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, कुछ लाइक अ टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका. ये रहा यहाँ पर कुछ रॉड शेप्स में आते हैं,
एक ये शेप भी होता है, ओके ये बैक्टीरिया के शेप्स होते हैं, थ्री शेप्स में पाए जाते हैं, ओके। इसके बाद बात करते हैं एल्गी की। सो एल्गी सिंपल प्लांट्स लाइक अ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एक्वेट इन नेचर। जो एल्गी होती है वो सिंपल प्लांट्स लाइक अ स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक नेचर क्या होता है कि सिंपल सी बात है, ये हमें एक्वेटिया पानी में वाली जगह में ही दिखाई देती है ज्यादातर एल्गी, ओके। अब बट है क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके। देन कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है कि वो ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर किस कारण से होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन के कारण होता है। सो वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी करती है, एल्गी इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। सो इसमें आपको देखना है कि एग्जांपल्स में सी पीट क्लोराइड मोनाज, ये आपके एल्गी के एग्जांपल्स हैं। एल्गी का कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखाई देता है आपको, ये आपका एल्गी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्गी कुछ इस तरीके से वाटर के अंदर दिखाई देती है, और ये भी कैसे होते हैं, ये भी कॉलोनीज में होते हैं, आपने देखा होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है वाटर में, फिर यहाँ पर दिख रहा है, नहीं, आपको बहुत सारी बड़े लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल एरिया में एल्गी क्या होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, वायरस, देन प्रोटोजोआ। और क्या होता है, ये हमारे बहुत तरीके से फ्रेंड्स भी होते हैं और फॉय भी होते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रेंडली भी हम इसको इस चैप्टर्स में रीड करने वाले हैं कि हमारे फ्रेंड्स कैसे होंगे। अभी लाइक आपने देखा जो कोरोना वायरस फैल रहा है, उस कोरोना वायरस का जो डेड वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू डाला जाता है। तो आप देखेंगे कि उस वायरस से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको, जो वीक हो गया या वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ वैक्सीनेशंस की प्रोसेस तैयार की जा रही है। और ये वैक्सीनेशन क्या है, किसी प्रकार के जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो हमारे अंदर बॉडी के डाले जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ओके। सो ये जो बैक्टीरिया वायरस ये जितने भी ये होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मान के चलिए आप फंगी देखिए, आप घर में यीस्ट, मोल्ड, आपके यहाँ ब्रेड, चपाती, ये सब रखी होती है, अगर हम भूल जाते हैं रखकर कई दिनों तक, उस दिन बाद आप देखेंगे कि उनके ऊपर फंगी लग जाती है, या मानकर चलिए पिकल्स, अचार जैसे, ओके। तो ये सारी चीजें हम और आगे डिस्कस करेंगे, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में प्रोटोजोआ और फंगी के ऊपर। अभी हमने इस वीडियो में एल्गी और बैक्टीरिया के ऊपर बात की। जो एल्गी होते हैं वो एल्गी क्या होंगे, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, बट बैक्टीरिया सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, बट एल्गी जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है और यूनिसेलुलर भी होता है, एक सेल से मिलकर भी बना होता है और मल्टीसेलुलर से भी मिलकर बना हो सकता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, थैंक यू।